हाय फ्रेंड्स, मैं रामचरण प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल राम टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है लेथ मशीन के जो काउंटर पुली का आरपीएम कैसे निकालें। जो लेथ मशीन है वर्कशॉप में उसके जो काउंटर पुली है और दो तीन काउंटर पुली लगी होती है उसे, उसके आरपीएम कैसे निकालें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमारी मोटर पुली है, ये उसके सामने वाली पुली है, इसके साथ काउंटर शाफ्ट लगी हुई है, फिर उसके साथ एक पुली लगी हुई है और उसके बाद एक और पुली लगी हुई है ऊपर, और उसके साथ छोटी पुली भी ऐड है, और सामने ये लेथ मशीन के साथ जो जुड़ी होती है पुली अपनी, वो है ये दो पुली जोड़ रखी है, एक बड़ी और एक छोटी। ठीक है, अगर जो पड़ी तो इसके साथ इसको चेंज कर लेंगे, बड़े के साथ छोटे, छोटे के साथ स्पीड बढ़ाने के लिए जो भी है, लेकिन ये हमारा जो है ये फिक्स सेट होगा, फिक्स आरपीएम इसमें आ जाएंगे, यहाँ तक हमारा जो आरपीएम रहेगा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो आज इसके बारे में हमको आपसे बात करनी है, कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर मेंशन कर रखा है मैंने लेथ मशीन स्पीड आरपीएम कैलकुलेशन, ये सारी जो मोटर की पुली है, इसके सामने वाली पुली, इसके साथ में जो काउंटर शाफ्ट है इसकी पुली, ये इसका सबका मैंने पुली का डाया लिख मेंशन करा है। ये मोटर पुली है जो कि इसका लिखा है 100 mm का डाया है। ठीक है, इसके सामने वाली पुली का डाया है 400 mm, और इसके जो काउंटर शाफ्ट के साथ जुड़ी हुई है ये लिखा है इसका 150 mm। इसको नाम भी दिया है D1, D2, D3, D4 और D5 और D6। ये D4 है बड़ी वाली, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये D4 है, और ये छोटी वाली पुली जो है ये D5 है, और इसके सामने वाली पुली D6 है। ठीक है, और ये तो लेथ मशीन के साथ ही ऐड रहती है, तो हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी देखिए, ये इस मोटर पुली की स्पीड ज़्यादा है, उससे कम इसकी है, इसके और इसकी आरपीएम सेम है, और इससे इसके कम है, और फिर इससे इसके और कम है। तो जब ये एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जैसा सपोज माना कि मेरे पास 1470 आरपीएम की मोटर है, तो यहाँ पे 1470 के आरपीएम पे मोटर पे, मतलब जो 1470 आरपीएम है उस पर पूरी हमारी राउंड हो रही है, घूम रही है, तो यहाँ हमारे आरपीएम कितने होंगे। ठीक, ये है मशीन पुली कनेक्टेड विथ लेथ मशीन। ठीक है, अभी हमने छोटे जो क्या क्या चीज़ चाहिए हमको, और हमने क्या क्या यहाँ मेंशन कर रखा है, क्या क्या हमारे पास है, उसके लिए उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मोटर है हमारे पास 1470 आरपीएम, जो ये जो पुली है 1470 आरपीएम पे घूम रही है, क्योंकि ये मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, D1 ये पुली का डाया जो है हमारे पास कितना है, 100 mm का डाया है। D2 400 mm का डाया है। D3 150 mm, D4 400 mm, D5 125 mm और D6 250 mm, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है फाइनल पुली, ये जो हमारे फाइनल है, ये फाइनल पुली आरपीएम D6, मतलब D6 का आरपीएम निकालना है कि D6 का आरपीएम हमारे पास कितना है। हम फॉर्मूला लेंगे, फाइनल आरपीएम इजिकल टू मोटर आरपीएम डिवाइड बाय D2 डिवाइड बाय D1 इंटू D4 डिवाइड बाय D3 इंटू D6 और D। ठीक है, अब 1 मिनट, ये हमारे पास जनरली तीन हमने जोड़ रखा है, एक सेक्शन, दो सेक्शन और ये तीन सेक्शन। अगर आपके पास 5, 6, 7, 8, 10 भी सेक्शन हो, कितने भी सेक्शन हो, बस आपको ये लगाना है फॉर्मूला में D2 डिवाइड बाय D1, D4 डिवाइड बाय D3, D6 डिवाइड बाय D5। अगर आगे है आपने आपके पास तो D8 डिवाइड बाय D7। ठीक है, उसके आगे भी है तो D10 डिवाइड बाय D9। बस यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पर आपके सामने जो है, अभी हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं इसको आगे। देखो एग्जांपल लेते हैं,
हमारे पास ये सारी चीज़ें, लेकिन निकालना क्या है हमको, D6, या D6 निकालना है हमको, क्लियर। अब एग्जांपल लेंगे छोटा सा का, वापस मैंने इसको लिखा है मोटर RPM डिवाइड बाय D2 डिवाइड बाय D1, ये हमको फार्मूला मेंशन करना है। इसके बाद जो भी हमारा जो पैरामीटर है, जो हमारा है रेट, वो सब इसमें इंटर कर देना है, ठीक है। ये जो इंटर कर रखा है मैंने, अब इसका जो इससे डिवाइड कर लेंगे, 400 को 150 से कर लेंगे, 250 को 125 से कर लेंगे, ये देखिए आप, ये सब मैंने डिवाइड करके इनटू कराया तो ये आ गया, ये डिवाइड 400 डिवाइड बाय 1 बराबर 4, 400 डिवाइड बाय 1.150 तो 2.666 है, 250 डिवाइड बाय 125 बराबर 2, क्लियर। अभी देखेंगे आप फाइनल RPM, जो हमारा ये जो है 1470 डिवाइड बाय ये आ गया हमारा क्या, 21328, क्लियर। अब इसको हम जब करेंगे डिवाइड बाय तो 68.9, तो ये जो हमारा फाइनल जो RPM है, फाइनल RPM किसका, D6 का, ये जो निकल रहा है हमारा कितना निकल रहा है, 68.92। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश करिए मैंने आपको समझाने की, अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे राय दें। बाकी ऐसे वीडियो में और आपके सामने लाता रहूँगा, बस आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, गुड नाइट।